लोग कि बस इंसान हर आदमी परेशान है इनसे और डोर इतनी खराब दे रहे हैं, पैसे इतने बार का नुकसान, अगर ये वापसी ले लें हमारा नुकसान नहीं होगा। ओके अब तो ये वापसी भी नहीं लेते हैं। भाई लोगों बरेली का टूर है, बरेली के टूर में आपको आज बताते हैं, पहले पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, तो उस गलती को सुधारने आए हैं। तो हम आए हैं आपके पास शफी अहमद जी के पास। आज शफी अहमद जी बिल्कुल हमारे सामने हैं और आप ही शफी अहमद जी हैं। पिछली बार थोड़ा सा गलती हो गई थी, कुछ बात हो गई थी, तो उसके लिए हम सबसे माफ़ी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज इनसे मिलना हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं शागिर्द है हमारे मिर्जा जी के। बिल्कुल मिर्जा ने खुद नाम लिया था इनके बाद कि भैया हमारे, मैं जब उनसे पूछा कि आप क्या अच्छे, तो उन्होंने शफी भाई का नाम लिया। शफी भाई ने बहुत दिल से काम सीखा, बहुत दिल से काम करा और यही वजह है कि आज लखनऊ में बहुत नाम है आपका, बहुत अच्छी डिमांड है लखनऊ में। और इवन अब जयपुर भी माल जा रहा है आपका सुनने में, और कहाँ कहाँ पे माल जा रहा है इस टाइम पे? कोलकाता भी जा रहा है। और सस्ते में डोर सुना कि फंसने में और हर तरीके से डोर लड़ने में बहुत अच्छी है और सस्ते में बहुत बड़े डोर है। तो शफी अहमद जी से पूरा बात करवाएंगे, पहले उनके अड्डे दिखाते हैं। आपके अड्डे कौन कौन से थोड़ा सा बताएंगे आपके अड्डे यहाँ पे? ये आपके अड्डे हैं सारे? अच्छा वहाँ जाते हैं वो लोग खड़े वहाँ पे, तो यहाँ पे देखें वो जो लड़के वहाँ पे तान रहे हैं, वहाँ तक इनके अड्डे सब उन्हीं का काम चल रहा है यहाँ पे। तो शफी अहमद जी से मिलवाते हैं। तो शफी अहमद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल होना भी चाहिए। और शफी अहमद जी आप तो इतने टाइम से काम करें, मे बी आपने मिर्जा के पास कितना काम सीखा उनके पास? कितने टाइम से उनके पास बहुत कुछ सीखा। कितने टाइम रहे उनके पास? तीन साढ़े तीन साल मैंने काम सीखा उनके पास, काम किया बहुत दिल से किया मैंने उनका काम। और उसके बाद किन के पास काम किया या अपना ही के पास? नहीं किया, अपना करा। तो अपना काम करते कितना टाइम हो गया आपको? मेरा अपना काम करते करते करीब 25-26 साल हो गए। 25-26 साल वो अपना काम करते हो गए, क्या बात है दोस्तों। तो 25-26 साल का आपका एक्सपीरियंस है जिसमें आपने मिर्जा जी के साथ भी काम किया, उनके मतलब बड़े उस्ताद बोल जाते और कहते थे थोड़े रुबाबदार था काफी, तो क्या वो आपको डांटते वाटते थे काम गलत? डांटते नहीं थे, वो जो समझाते थे हम उस पर अमल करा करे थे और उसको मानते थे, उनका बड़प्पन रखते थे हम उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हर बंदे को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी से उन्हें काम लेना है तो वो बहुत हिसाब से काम कराते हैं। मिलके आए थे अभी हम उनसे, काफ़ी अच्छा लगा था मिलकर। आज भी देखते हैं कि अगर मिलना हो तो पक्का जाएंगे उनके पास। तो काफ़ी अच्छा था उनसे भाई, एक अच्छा टूर रहा उनके पास, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमने भी बहुत कुछ बताया उन्होंने हमको, बहुत अच्छा रहा हमें। और उसके पहले चलते आपके ब्लॉग दिखाते हैं एक बार, साहब अपने वन बाय वन ब्लॉग दिखाई दिए और कहाँ कहाँ पे, कुछ ब्लॉग में खासे लखनऊ में ही मिलते तो वो सब बताया जाएगा ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ये आपका फास्ट एंड फ्यूरियस है? जी जी जी। ये फास्ट एंड फ्यूरियस में कहते हैं कि थोड़ा सा एक किसी और कारीगर का भी आता है मेरे खाते फास्ट एंड फ्यूरियस शायद से, वो अदनान भाई का है, उस पे अलग है ये मेरा। अच्छा बिल्कुल। और ये देखिए ये आपका KGN, ये आपका मेरे ख्याल से खाली लखनऊ मिलता है कि हर जगह भेज देते हैं? लखनऊ भी मिलता है, जयपुर भी मिल जाता है। जयपुर ही मिल जाता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शफी भाई ने दिखाया है एक आपका 1750 दिखाया था, 1750 ये 1750 है। अच्छा 1750 का रेट भी है कि खाली ब्लॉक का नाम है? नहीं, इस ब्लॉक का नाम है। और ये आपका KGN जो बहुत चलता है लखनऊ में, बहुत इसकी तारीफ सुनी है। और आपका एक ये फास्ट एंड फ्यूरियस, दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस अदनान भाई का अलग आता है, हमारे शफी भाई का अलग आता है। और काफी कितना काफी पुराना आपका ब्लॉग? ये भी पुराना हो गया और सब 1-2-3 पे बनता है। आप छतों के लिए भी बनाते हैं, हैमर की डोर भी बनाते हैं ऑर्डर पे? 1-2-3 बनाते हैं, तो स्पेशली आपका 1-2-3 बनता है हर टाइम पूरे साल आपका बनता है। तो अभी आपका लखनऊ भी जयपुर भी जा रहा है, जयपुर में क्या सोना काइट के पास जा रहा है मेरे ख्याल से आपका मन, मैंने उनसे बात हो रही है, उन्होंने मेरे को फोटो भेज दी है वो सोना काइट वालों ने भी, तो बहुत बढ़िया। तो दादा एक चीज़ बताइए, आपने इतना लंबा काम करते हो, 26 साल आपको काम करते हो गए, तो आपको भी वही शिकायत आ रही है कि डोर की क्वालिटी गिर गई है, बहुत खराब आ रही है। और देखिए ये व्हील है, ये टूटने निकल रहे हैं, इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, इससे ना नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हो गई है, मतलब चढ़ेगी नहीं अभी, अपनी कहाँ चढ़ सकती है? ये नुकसान कैसे हुआ, मतलब टूट गई है कैसे हुआ? ये बेकार निकलती है। अच्छा क्वालिटी चढ़े, इसमें माल चढ़ेगा नहीं, तो मतलब 700 रुपए की डोर ले रहे हैं और उसके बाद इतनी क्वालिटी डोर दे रहे हैं ये लोग कि बस इंसान हर आदमी परेशान है इनसे, और डोर इतनी खराब दे रहे हैं, पैसे इतने बाहर रखे हैं, मेरे ख्याल से हर बंदे के 2-1 रील रोज खराब होते हैं। बाप रे, तो नुकसान आप लोगों की जेब में जा रहा है? हम लोगों का नुकसान, अगर ये वापसी ले लें हमारा नुकसान नहीं होगा। ओके तो ये वापसी भी नहीं लेते हैं, पहले होता था पहले वापसी ले लिया करे थे, अब ये नहीं लेते हैं वापसी। अरे बाप रे, बहुत मतलब ज्यादा वो हो रखा है इसके अंदर, 80-90 रुपए का एक रील पड़ता है। जरा ये देखिए इन लोगों की कितनी जास्ती कर रहे हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल ये देखिए, ये खराब हो चुकी है घर पर और रखा हुआ है, ये सब खराब हो जाता है। तो इसका कोई वो भी होता है कि मतलब जो होते दुकानदारी का माल जो कुछ भी नहीं बन पाता है, इसका कुछ भी नहीं बन पाता है क्योंकि ये जब रुकेगा ही नहीं बल्ली पर तो। अच्छा ये मतलब इतना कच्चा धाक वाला। और जो 60ों का इशू आ रहा है, 60 कैसे बहुत निकल रही है इसमें और बहुत दिक्कत है इस डोर में। तो फिर शौकीन आपको बोल रहे हैं, शौकीन का भी कंप्लेंट आता होगा? शौकीन बुलाता है उनका, शौकीन होगा कि गार्ड बहुत निकल रही है, क्या करें जब ये टूटना निकलता है। तो शौकीन को बोलिए कि भैया फिर कोई और डोर भी तो चलाएं, फिर
अब डोर कोई अच्छी निकले बढ़िया सी तो उसे लगाए। अभी तक तुम्हें कैसे 1-2-3 के अगेंस्ट में कोई अच्छी डोर, क्योंकि रॉकेट वॉकेट पास है नहीं? रॉकेट पास नहीं है, रॉकेट डोर अच्छी है लेकिन उसे पास नहीं करते। वो तो बहुत अच्छी डोर है, इससे उसमें साठे भी नहीं है और माली पूरा नहीं है, इतनी बेहतरीन डोर है, गार्ड शार्ड नहीं होती, शॉकिंग को मजा आता है, लेकिन अब इन लोगों ने बैंड करा दिया, क्या करा जाए, मजबूरी है। और उसमें जैसे वो पूरी डोर भी निकलती है, पूरी 900 इंच बहुत बढ़िया निकलती है, पूरी भी निकलती है, क्योंकि इसमें सुनने में आया कि वो भी 900 बोलते लेकिन निकलती है 800 के आसपास होता है। 800 निकलती है, पहले 900 मीटर आती थी, अब नहीं आती, वो भी कम हो गया है। तो मतलब पैसे तो बढ़ा ही दिए शफी भाई, लेकिन हाथ में क्वालिटी भी कर दी है, क्वालिटी बहुत खराब कर दी है। आप तो बीच में फंस गए, यहाँ से शौकीन से गाली खा रहे हैं, वहाँ से तुम नुकसान झेल रहे हैं। कहते हैं कि शफी भाई क्या भेज दिया, बड़ी गार्ड निकल रही है, क्या करें, हर दर्जन में एक रील कम होगा तो 11 ही मिलेंगे ना, 700 रुपए में 11 रील मिल जाएंगे, बताइए। कहीं ना कहीं साठ हुए थे वो चीजें कम हो, टूट रही है तो कम हो रही है आपको, अब हर साठे निकालनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि अब इतनी साठे आप दे दो हटाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, एक ये भी वजह थी, थोड़ी डोर में कमी आ रही है, बिकॉज साठे बहुत आ रही है, अगर कारीगर तो साठों को अच्छी निकलती थी डोर, बहुत अच्छी निकलती थी ये, और इसी को इस्तेमाल करता है हर आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, जो शौकीनी मैदानी माया बनाते हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं, इससे अलावा कोई डोर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये लोग डोर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसे जिस तरह के से बढ़ाए कोई, उसी तरह से अगर डोर भी मिलती रहे तो शौकीन भी परेशान ना हो, हम भी परेशान ना हो। तो दोस्तों देखिए, शफी भाई हमारे साथ बैठे हैं, 20-25 साल से काम कर रहे हैं, जो भी शौकीन जो भी लोग कहते हैं फेसबुक पे कि भैया महंगाई हो रही है, महंगाई आपके लिए नहीं, महंगाई कारीगर के लिए भी हो रही है, महंगाई हम तो ये डबल झेल रहे हैं, बल्कि नुकसान भी झेल रहे हैं, और जिस दिन काम न लगे उस दिन की दिहाड़ी भी चल जाती है। उसके अलावा शौकीनों की कंप्लेंट है कि साठे आ रही है, तो उनको भी क्वालिटी में कहीं ना कहीं, और सुनने में आया कि अब जो डोर है इसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए मटेरियल भी ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं थोड़े से, जी, जी, जी। तो उसका भी नुकसान है थोड़ा सा, उसकी वजह से महंगे रेट बढ़ रहे हैं कि माल डबल लगता है, लुद्दी थोड़ी सी महंगी बन जाती है, टाइम मतलब कितनी लागत लगा दो खराब निकल जाता है, तो उसे फिर अलग हटाना पड़ता है इनको। बिल्कुल, वो प्रॉफिट मतलब सब वहीं पे जीरो हो जाता है। बाकी शफी भाई आपकी डोर के तो हम काफ़ी फ़ैन हैं, यहाँ पे भी मेरे को बताया था, काफ़ी लोगों ने आपके बारे में बताया था, और मैं लखनऊ से बहुत सुना है, तो फंसने के मामले में बोलते हैं कि बहुत बड़े लंबे के पेचों पे, तो आपकी सबसे बेस्ट डोर का कौन सा, जो सबसे बेस्ट चल रही है इस टाइम पे? मेरा तो सबसे अच्छी बेस्ट डोर चल रहा है, केजीएन चल रहा है आपका, राइट, केजीएन आप कर रहा है, तो इसका रेट वेट आप बताना चाहेंगे इस वीडियो पे? तो फिर जनरल रेट है, रेट क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जनरल, लोगों ने इतना इतना महंगा बताना शुरू कर दिया, लोग इस बात से ही बहुत परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये भी इम्पैक्ट आया आप गलत। चलिए चलिए, अच्छा दादा एक छोटी सी बात है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो शौकीन कहते हैं कि पहले डोर का रेट 1200-1300 में मिल जाती थी अच्छी डोर, तो अब 1400-1500 में हो जानी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अब 1400 या 1500 में एक अच्छी डोर मिल जाएगी? डोर अगर 1400-1500 रुपये में कहाँ मिल जाएगी, 1550 रुपये 1560 रुपये तो अड्डे पर पड़ रही है, पड़ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है अब इस टाइम पे, आपको कुछ नहीं हो सकता, मतलब नहीं है, डोर नीचे आएगा हम वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी दादा आप इतना पुराना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डोर की क्वालिटी को लेकर, जैसे कहते हैं कि भैया आप कहते हैं कि मतलब लोगों को होता है कि डोर काम नहीं कर रही है, 200 रुपए में जो मिलती थी काली बर्दवान जो है 80-57, वो भी डोर बहुत बढ़िया थी, उस पर डोर हमने भेजी, लोगों ने बहुत तारीफ भी की, और 1-2-3 में शिकायत आ रही है, 1-2-3 में शिकायत आ रही है। बाकी आपसे एक चीज़ है कि मतलब नए जो बंदे होते हैं, एक अच्छी डोर की पहचान और डोर को कैसे रख के उड़ाना चाहिए, कई बार होता है कि डोर कहते हैं कि ना मतलब हवा पुरवाई में काम नहीं कर रही है, या कुछ बोलते हैं कि सुबह उड़ाए तो सुबह पेच निकल लेकिन शाम को पेच काट देती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? उसके पीछे ऐसा है जैसे मौसम नहीं मिल पाया उसको, और उन्होंने कुछ रद्द बदल करा है उसमें, तो कोई दिक्कत आ जाती है, वरना डोर तो सही बनती है, तो सही लगती है। तो आप कह रहे हैं कि एक डोर अच्छी बन जाए, मतलब अच्छे डल जाए मटेरियल, कई बार होता है कि अब नमी में बनी डोर है, अब वो हर टाइम लट जाएगी, ऐसा कोई नहीं है, तो जो लोग परेशान होते हैं बोलते कहते हैं कि ऐसा रख दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बेकार दुबा के, हमारे उस्ताद ने कभी नहीं कहा कि ये बाहर रख देना, फ्रिज में रख देना, या ऐसा कर देना, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई है तो लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जा जी इस मामले में बड़े सीधे थे कि भैया ये काम ऐसे तो वैसे होना ही चाहिए, मिर्जा जी की क्वालिटी कभी उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि ये चरखी अगर नहीं लड़ रही है, पहली बात तो मालिक ने चाहा लड़ती थी उनकी डोर, कभी उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि आप ये चरखी फ्रिज में रख देना, टाइट हो गया या हार्ड हो गई, ऐसा कुछ नहीं, उस्ताद से पुराने बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ शफी भाई, जिनके हमने आपको ब्लॉग दिखाए, ये इनका आता था 1750 आता है, और ये इनका केजी, ये आपका शफी अहमद केजीएन आता है, और ये फास्ट एंड फ्यूरियस आता है, ये सारे ब्लॉग आपके लखनऊ कानपुर जयपुर हर जगह जा रहे हैं, तो और कोलकाता भी जा रहे हैं, राइट, तो बिल्कुल, और अगर आपको चाहिए तो मैं शफी भाई का नंबर डालूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको बताएं किस दुकान पे मिल जाएगा आसपास, अगर दुकान नहीं होगी तो फिर कोरियर से हो जाएगा काम? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरियर भी कर देंगे आप, तो अगर दुकान है तो दुकान से लीजिए, प्रायोरिटी की दुकान दुकान पे ही बहुत जा रहा है, गौरव भाई है जयपुर में,
बिल्कुल जगह है, ये कई लोगों के पास जाता है, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके एरिया में दुकान नहीं है तब आप यहाँ से इनसे संपर्क कीजिए तो आपको कुरियर करवा देंगे।